स्वागत है। गुलाबी नगरी में बड़ी उम्मीदों के साथ पुलिस की कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई थी। उम्मीद ये थी कि इस व्यवस्था में अपराध के मामलों की जांच तेजी से होगी, कानून व्यवस्था बेहतर होगी, लेकिन व्यवस्था लागू हुए 2 साल होने को है, फिर भी कई हाई प्रोफाइल मामले आज भी फाइलों में कैद हैं। ये तस्वीर हर्षित की है। 3 साल पहले इसकी हत्या कर दी गई। परिवार वालों के पास है तो बस ये तस्वीर और हर्षित की यादें। 10 दिसंबर 2009 को 8 वर्षीय मासूम हर्षित की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। 3 साल बीतने के बाद भी पुलिस हत्यारों को पकड़ना तो दूर, आज तक सुराग भी जुटा नहीं पाई है। हर्षित की दादी अपने पोते के बस्ते को आज भी तलाशती है, तस्वीर के पास बैठती है, लेकिन इन्हें मलाल है कि इनके पोते के हत्यारे आज तक नहीं पकड़े गए। 3 साल हो गए पुलिस के जाते जाते परेशान हो गए। ये कहते हैं करते हैं करते हैं करते हैं, ये देख लो ये की जवाब मिलता है। बीएल सोनी साहब के हुई है, एसपी साहब के, सबके हुई है, ये देख लो, पर अभी कुछ भी नहीं किया। आज 3 साल हो गई हत्यारा आराम से घूम रहे हैं हर्षित का, पर कुछ भी काम नहीं किया पुलिस वालों ने। हर्षित के दादा भी अपने पोते के हत्यारे को सजा दिलाना चाहते हैं। ये पुलिस के यहाँ भाग दौड़ भी करते हैं, लेकिन इनके हाथ आज तक कुछ नहीं लगा। कमिश्नर साहब के पास, एडिशनल एसपी साहब के पास, एसपी साहब के पास, सभी के पीछे, मतलब 2.5 साल से मैं कंटिन्यू चक्कर खाया था, मेरे को कोई हासिल नहीं हुआ कोई परिणाम। आज भी मैं इसको यही कहते हैं कमिश्नर साहब कि आपकी जांच जारी है, आपकी जांच जारी है, मेरे इस वर्दी का दाग मिटूंगा जब आपको संतुष्टि मिलेगी। परंतु आज दिन न तो उनका वर्दी का दाग मिटा और न कोई बात हुई। एडिशनल एसपी अनिल टांग साहब कह रहे हैं कि मैंने कुछ क्ल्यू निकाले हैं जो मैं आपको बताऊंगा, है आप मेरे से आके मिलो। मेरे को 9 महीने जैसे चक्कर देते आ रहे हैं, परंतु एक दिन भी नहीं मिला, मेरे को एक दिन भी ये सही जवाब नहीं दिया कि हाँ साहब ये तुम्हारा ये है परिणाम। हर्षित का मामला तो पुलिस की फाइलों में कैद मामलों में एक है। इसके जैसे कई दूसरे मामले भी हैं जिनमें अपराध तो हुआ लेकिन अपराधी पकड़ से दूर है। ऐसे मामलों में 4 साल की सना की हत्या का मामला, उप निरीक्षक मेहर सिंह को जिंदा जलाने का मामला, मारक चौक इलाके में ओम प्रकाश की हत्या का मामला शामिल है। इन सभी मामलों में पुलिस ने हाथ पैर मारे, जांच अधिकारी बदले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कमिश्नरेट लागू होने के बाद भी पिछले 15 सालों में 75 हत्याओं के मामले पुलिस अभी तक सुलझा नहीं पाई है। वहीं कई मामले ऐसे हैं जहां पर अधिकारी बदल दिए गए, और यही नहीं, लाखों खर्च करने के बाद भी नतीजे ढाक के 3 पार। पुलिस के पास जो मामले गए उनमें तो कुछ ऐसे हैं जिनमें कोई सफलता नहीं मिलने पर फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। ऐसे मामलों में हटवाड़ा निवासी अब्दुल्ला हकीम की हत्या का मामला, जमुआ रामगढ़ थाना क्षेत्र में कजोड़ लाल की हत्या का मामला शामिल है। हालांकि पुलिस का दावा है कि वो अपने स्तर पर काम कर रही है। कमिश्नरेट में भी एक क्राइम सेल है, अपराध विंग है, वो भी इस तरह का जो लंबित चल रहा है मामले, जो गंभीर स्तर का है, उसका समीक्षा किया जा रहा है। और हमारा भी ये कोशिश है कि ये जल्दी से जल्दी खुल जाएं, अपराधियों को सजा मिल जाए। जो गंभीर प्रकरण अगर हो तो उसमें यूजुअली एफआर नहीं लगाता, यूजुअली नहीं लगाता हमारे, ताकि उसको विचाराधीन रखने से हर लेवल पे उसका सुपरविजन ठीक से हो जाता है। हालांकि पुलिस ये मानती है कि कई मामलों में अभी उसे सफलता नहीं मिली है। अधिकारियों का कहना है कि वो समीक्षा कर रहे हैं। कई मामले अभी हमारे पास पेंडिंग है जिसका खुलासा नहीं हुआ, उसका समीक्षा आयुक्तालय स्तर पर और जिला स्तर पर हो रहा है, और जो भी काम बाकी है, जो भी एविडेंसेस कलेक्ट करना बाकी है, उसको युद्ध स्तर पर करा के उसका निस्तारण करने का निर्देश जारी किया है। गुलाबी नगरी में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। अधिकारी मामलों की समीक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन अहम सवाल ये है कि मामले सुलझ नहीं रहे। सवाल ये है कि बेनतीजा समीक्षाएं आखिर कब तक चलती रहेंगी। कविता नरूका, सहारा न्यूज ब्यूरो, जयपुर।